Hello guys, welcome to H2O, the A to Z of chemistry. मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर इस कोर्स के लिए, जिसका नाम है द एटॉमिक स्ट्रक्चर. आज हम शुरू करेंगे इसका लेक्चर नंबर 70, बट मेक श्योर आपने पहले सभी लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले जरूर देख लिए हों. अभी तक हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, और इस जर्नी का हमने लगभग 3/4 डिस्टेंस कवर कर लिया है. बहुत कुछ सीखा है हमने स्ट्रक्चर के बारे में एटम के. हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में सीखा, जिसका डुअल नेचर है, बोथ वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है. साथ में हमने नॉलेज पाई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में, जिसको एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन थी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के बारे में. आज हम इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे. वो टॉपिक क्या है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम. और इस तक पहुंचने में हमें और बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करना है. लगभग 3 से 4 लेक्चर्स में लूंगी इसमें. और आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? शॉर्टकमिंग ऑफ द बोहर्स मॉडल, और साथ ही में डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ द एटम. ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले शॉर्टकमिंग ऑफ द बोहर्स मॉडल से. तो पहली लिमिटेशन क्या थी बोहर एटॉमिक मॉडल की? वो ये थी कि हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम को बोहर ने एक्सप्लेन किया, मगर जब इस स्पेक्ट्रम को देखा गया सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के साथ, तो उसमें बहुत सारी फाइन लाइंस भी प्रेजेंट थी, जैसे कि 2-3 क्लोजली स्प्लेस लाइंस, पास पास में लाइंस पड़ी थी. अब जो बोहर थे वो इन फाइनर डिटेल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए. ठीक है, उसके बाद अगली शॉर्टकमिंग क्या थी कि वो स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए. उन्होंने सिर्फ जो स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया वो था हाइड्रोजन का, या वो वैलिड था हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए, जैसे कि हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, बेरिलियम प्लस 3, हमने वो सब देखा है. मगर जब मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स का स्पेक्ट्रम आया तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए. साथ ही में जो बोहर के सर्कुलर ऑर्बिट्स थे इलेक्ट्रॉन्स की रेवोल्यूशन के लिए, वो प्लेनर थे, जबकि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में 3-डायमेंशनल स्पेस में मूव कर रहे हैं. प्लस बोहर क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए? कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड आउट ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो कि एक ड्रॉबैक बनी, मेजर ड्रॉबैक बनी बोहर्स एटॉमिक मॉडल का, वो था कि बोहर ने एक एज्यूम किया डेफिनेट नॉलेज अबाउट पोजिशन एंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. उन्होंने कहा कि किसी भी टाइम पे हम उसकी पोजिशन बता सकते हैं, उसका रेडियस बता सकते हैं, साथ ही में उसकी वेलोसिटी भी बता सकते हैं. बाद में एक साइंटिस्ट आए, हाइसेनबर्ग उनका नाम था, उन्होंने कहा कि ये इम्पॉसिबल है कि आप एक ही पॉइंट पे किसी एक पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी को साइमल्टेनियसली बता सको. ठीक है, तो इसके इसको कहते हैं हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. और इसके आने के बाद बोहर की एक इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक बन गई कि अब उन्होंने तो एज्यूम किया था कि पोजीशन और स्पीड एक टाइम पे भी बताई जा सकती है, तो ये गलत हो गया. नेक्स्ट, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस. तो अगर आपको याद हो, जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो वेवलेंथ जैसे जैसे डिक्रीज करती है, वैसे लाइंस की जो इंटेंसिटी है वो भी डिक्रीज करती है. मतलब क्या हुआ कि जैसे N2 की वैल्यू इंक्रीज करेगी, वैसे क्या होगा, इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी. अब बोहर इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो ये भी एक शॉर्टकमिंग हो गई बोहर्स एटॉमिक मॉडल की. प्लस ही फेल टू अकाउंट फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग हुई, जिसको कहते हैं स्टार्क इफेक्ट. मैग्नेटिक फील्ड में भी स्पेक्ट्रल लाइंस को देखा गया, वहां पे भी इनकी स्प्लिटिंग हुई, उसको कहते हैं जीमेन इफेक्ट. तो जीमेन इफेक्ट का डायग्राम आपके सामने है. हमारे पास क्या है, ये सोडियम एटम का स्पेक्ट्रम है, जिसमें आपने सीखा था कि सोडियम के स्पेक्ट्रम में दो लाइंस थी, दो येलो लाइंस थी, D2 लाइन और D1 लाइन. ये D2 लाइन है, ये यहाँ पे D1 लाइन है.
ठीक है। तो ये एक लाइंस थी जो हमने देखी थी सोडियम के स्पेक्ट्रम में। जब कोई मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई जाती तो ये सिंगल लाइन है, मगर जैसे आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लगाते ये कुछ फाइन लाइंस में स्प्लिट हो गया, ठीक है। इस इफेक्ट को, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग हुई लाइन की, इसको बोलते हैं जीमन इफेक्ट, और यही जो स्प्लिटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में होती है उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। और ये दोनों ही जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट कौन नहीं एक्सप्लेन कर पाए, बोहर नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, फाइन। और ये आप दोनों प्लीज याद रखना कि स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड अ जीमन इफेक्ट, एंड स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड अ स्टार्क इफेक्ट। ये दोनों अक्सर MCQs में पूछे जाते हैं, सो प्लीज डू रिमेंबर देम, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों टर्म्स हैं, जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। तो चलिए अब चलते हैं टुवर्ड्स द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। तो शुरू कहां से करेंगे, बोहर से ही शुरू करेंगे कि बोहर की थ्योरी, और फिर उस थ्योरी को एक्सटेंड किया था सोमरफेल्ड ने, ठीक है। उनने मिलकर एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया, इंक्लूडिंग द फाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो आप कहोगे कि मैम आपने अभी कहा था कि बोहर थ्योरी तो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बिल्कुल नहीं कर पाए, मगर ये सोमरफेल्ड ने एक्सप्लेन किया। तो सोमरफेल्ड ने इस फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया, और उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया ये कहकर कि जो बोहर ने सर्कुलर ऑर्बिट बताए इलेक्ट्रॉन के, वो सर्कुलर नहीं है बल्कि वो कैसे है, इलिप्टिकल है। तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के बेस पे उन्होंने फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। कैसे किया इसको हम आगे स्टडी करेंगे इस कोर्स में, बट अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि उन्होंने ये तो एक्सप्लेन कर दिया, मगर उसके बाद जो मेन ऑब्जेक्शंस आई बोहर थ्योरी की, वो थी दो ऐसी डेवलपमेंट्स जिन्होंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम को फॉर्मुलेट करने में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। वो दो जो डेवलपमेंट्स है वो क्या है, पहली है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, और दूसरा है हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रही थी, ठीक है। तो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अभी हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, तो इस लेक्चर में हम शुरू करते हैं डिस्कशन अबाउट द डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। तो बिल्कुल जैसे हम कहते हैं कि रेडिएशंस का डुअल बिहेवियर होता है कि दोनों वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है, तो वैसे ही मैटर का भी डुअल बिहेवियर हो सकता है, पार्टिकल नेचर भी हो सकता है, वेव नेचर भी हो सकता है। पार्टिकल नेचर मैटर का हम सब जानते हैं, मगर वेव नेचर को किसने कहा बताया, डी ब्रोगली ने इसके बारे में प्रपोज किया इन द ईयर 1924, और उन्होंने कहा कि ऑल मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन पोजेस वेव कैरेक्टर, ठीक है। तो कोई भी पार्टिकल, कोई भी मटेरियल, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रही है उसका वेव कैरेक्टर होगा, ये डी ब्रोगली ने कहा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इनका भी डुअल कैरेक्टर होगा बिल्कुल रेडिएशंस के जैसे, और जो वेव इन पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड है उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव, ठीक है। तो वेवलेंथ अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की लेते हैं जिसका मास m है, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो डी ब्रोगली ने उसके लिए एक रिलेशनशिप दिया, एक इक्वेशन दी। क्या इक्वेशन दी, लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, जहां पे लेमडा होगी डी ब्रोगली वेवलेंथ, एच हो गया प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, मास हो गया उस ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है, और वेलोसिटी उसकी, उस ऑब्जेक्ट की velocity, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए अब हम बात कर रहे हैं, तो ये सब कुछ इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक मटेरियल पार्टिकल है, राइट, और उसका क्या पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा। तो डी ब्रोगली ने ये अपनी इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी कैसे डिराइव की, वेल डी ब्रोगली को कुछ चीजें थी जो इस टाइम तक ऑलरेडी मालूम थी। पहले उनको ये मालूम था कि जो रेडिएशंस होते हैं उनके पास एनर्जी है, और वो जो एनर्जी है
दैट अगर उसको हम कहें कि ई दिस इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ फोटोन ऑफ रेडिएशन, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से उनको ये मालूम था कि वो जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू एच न्यू दैट इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा. हमें भी अब मालूम है कि एनर्जी ऑफ अ फोटोन क्या होगी, एच सी बाय लैम्डा. दूसरी चीज जो इस टाइम तक उनको मालूम थी वो थी आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. और आइंस्टाइन के अकॉर्डिंगली ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, दैट मीन्स एनर्जी एंड मास दे आर इंटर कन्वर्टेबल. और ये जो इक्वेशन है ये एप्लीकेबल थी ऑल बॉडीज के लिए, किसी भी चीज के लिए, चाहे वो रेडिएशन हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो. ठीक है, तो हर एक चीज के लिए ये इक्वेशन वैलिड थी. अब इन दोनों इक्वेशंस को डी ब्रोगली ने इकट्ठा किया तो उन्हें क्या मिला, एच सी बाय लैम्डा दिस इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, या हम कह सकते हैं एच बाय लैम्डा दिस इज इक्वल टू एम सी, या लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम सी. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन डी ब्रोगली को मिली इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके. अब डी ब्रोगली ने सोचा कि जो आइंस्टाइन इक्वेशन है ये वैलिड फॉर ऑल बॉडीज है, राइट. तो ये अगर रेडिएशंस के लिए वैलिड है तो रेडिएशंस की वेलोसिटी तो चलो हो गई सी, अगर ये रेडिएशंस के लिए वैलिड है तो ये मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के लिए भी वैलिड होनी चाहिए क्योंकि आइंस्टाइन इक्वेशन वैलिड है सबके लिए. तो अगर सी की जगह पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट ऐसी है जो कि वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रही है तो उसके लिए भी ये इक्वेशन वैलिड होनी चाहिए. तो इसलिए उन्होंने एक और इक्वेशन दी, वो क्या थी, फॉर पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी वी लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी. तो यहां से हमें क्या मालूम लगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रही है उसका एक वेव कैरेक्टर होगा, और ये जो वेव कैरेक्टर है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी वेवलेंथ से. तो उसकी जो वेवलेंथ है डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो कितनी होगी, एच ओवर एम वी. ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, पी इज लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ठीक है, या हम कह सकते हैं लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम. तो ये सब चीजें जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, आपके क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए. तो आई होप दे आर ऑल क्लियर टू यू नाउ. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बेनिफिट हमें डी ब्रोगली इक्वेशन का मिला वो ये था कि उन्होंने डेराइव की बोहर्स पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो अगर आपको याद हो कि बोहर ने अपने पोस्टुलेट्स में एक पोस्टुलेट दिया था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे, वो क्या था कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो कि एक एनर्जी लेवल ऑर्बिट में घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड है. वो क्या था, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर टू पाई. आई होप यू रिमेम्बर दैट. मगर वहां पे मैंने आपको ये भी बताया था कि बोहर इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे कि क्यों ये एम वी आर एन एच ओवर टू पाई के बराबर है, कैसे है. तो ये कैसे है हमें किसने सिखाया, डी ब्रोगली ने. कैसे सिखाया, चलिए देखते हैं. तो बोहर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में. ठीक है, डी ब्रोगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स के पास अब वेव नेचर है, तो अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो वो कैसे घूम रहे होंगे, इन द फॉर्म ऑफ वेव, राइट. और ये जो वेव है वो कॉन्टिन्यूअस है, वो कॉन्टिन्यूअसली इन फेज भी हो सकती है, आउट ऑफ फेज भी हो सकती है. अब इस सबसे क्या मतलब है, मैं आपको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ. तो ये बोहर की सर्कुलर ऑर्बिट है जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, राइट. और डी ब्रोगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह मूव कर रहा है, तो वो इस तरीके से मूव कर रहा होगा सर्कुलर ऑर्बिट पे, राइट. ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो मान लो आप इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये है ये उसकी पहली वेव लेंथ हो गई ये, ठीक है, ये एक कंप्लीट वेव हो गई. उसके बाद ये सेकेंड आ गई, ये थर्ड आ गई, ये फोर्थ आ गई, एंड सो ऑन. और फिर ये घूमता घूमता इलेक्ट्रॉन अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से पहुंच गया. जब स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से पहुंच गया तो फिर वही वेव कंटिन्यू होती रहेगी. और हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है अपनी ऑर्बिट में एनर्जी लूज नहीं करता, गेन नहीं करता, और ये ऐसे ही घूमता रहता है.
ठीक है, तो यहां समझ में आ गया। जब अब ये इलेक्ट्रॉन की वेव का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होगा तो हम इसको बोलेंगे इन फेज वेव, ओके, और ये कंटिन्यू होती रहेगी, ऐसा ऑर्बिट पॉसिबल है। मगर जब एक और कंडीशन भी हो सकती है कि उसका जो वेव का स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है वो सेम नहीं हो, तो क्या होगा? वो सेम नहीं होगा मतलब होता है वो आउट ऑफ फेज है। इसका मतलब क्या है कि ये जो वेव है वो जो नेक्स्ट वेव आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी और उनका जो नेट इफेक्ट है वो कैंसिल होता रहेगा, तो वो कैसी वेव हो जाएगी? वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली वेव हो जाएगी। और ऐसी वेव क्या होती है? स्लो एंड स्टेडली एक दूसरे को कैंसिल करते करते खत्म हो जाती है। तो ऐसी वेव्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ऐसी वेव्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती तो ऐसा ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहां से आपको बोहर के ऑर्बिट के जो पोस्टुलेट्स बोहर ने दिए थे वो भी समझ में आ सकते हैं, हम कैसे डी ब्रोगली रिलेशनशिप के साथ उसको एक्सप्लेन कर पाए हैं। तो आई होप ये अब सब आपको कंप्लीट क्लियर है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज अब आप देख सकते हो कि अगर ये पहली वेव है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ऐसे तरीके से एक सर्कमफ्रेंस में कितनी वेव्स हो जाएंगी? n लैम्डा वेव्स, ठीक है। कोई भी एक वेवलेंथ और उसके n नंबर ऑफ टाइम से हम एक सर्कमफ्रेंस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, दिस मस्ट बी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अब ये समझ में आ गया। और अगर वो इंटेग्रल मल्टीपल नहीं है देन द वेव वुड इंटरफेयर डिस्ट्रक्टिवली टू कैंसल ईच अदर डिस्ट्रॉइंग इटसेल्फ। तो यहां से हमें क्या मालूम लगता है कि 2 पाई आर दिस इज इक्वल टू एन एच या लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर एन। Fine, I hope it is understood, very important. Now R, you know that this is the radius of the orbit and lambda, this is the wavelength of the electron wave. और डी ब्रोगली इक्वेशन में लैम्डा क्या है? H ओवर एम वी। अब इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो, दोनों ही लैम्डा है, राइट, तो 2 पाई आर ओवर एम दिस विल बी इक्वल टू एच ओवर एम वी। फाइन, सो ये हमारे पास आ गया 2 पाई आर ओवर एन इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच ओवर एम वी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। ये क्या आ गया हमारे पास? ये हमारे पास बोहर का ही तो वो पोस्टुलेट आ गया एंगुलर मोमेंटम वाला, राइट। आई होप नाउ दिस इज अंडरस्टूड कि हमने कैसे डी ब्रोगली इक्वेशन को यूज करके बोहर के पोस्टुलेट्स को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आप समझ लो, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि हम यहाँ पे n को क्या कह रहे हैं? n को हम यहाँ पे कह रहे हैं नंबर ऑफ वेव्स, राइट। और बोहर के पोस्टुलेट में हमने इसी n को क्या कहा था? हमने उसको नंबर ऑफ ऑर्बिट बताया था, ठीक है। तो वही ऑर्बिट्स पॉसिबल है जिसका जो जो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई है। तो अगर ये 1 h ओवर 2 पाई होगा एंगुलर मोमेंटम तो फर्स्ट ऑर्बिट होगा, अगर h 2 h ओवर 2 पाई होगा तो सेकंड ऑर्बिट होगा। तो ऐसे ही हमने n के लिए दो चीजें बता दी, एक नंबर ऑफ वेव्स, एक हमने बता दिया नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो दोनों ही n है, तो n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ वेव्स भी बता रहा है एक सर्कमफ्रेंस में एक ऑर्बिट में, और नंबर ऑफ ऑर्बिट भी बता रहा है। तो अगर हमारे पास ऑर्बिट नंबर 1 होगा तो उसमें नंबर ऑफ वेव्स कितनी हो जाएंगी? 1। अगर ऑर्बिट नंबर 2 होगा तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी हो जाएंगी? 2। 3 होंगी तो 3, 4 होंगी तो 4, nth ऑर्बिट में n नंबर ऑफ वेव्स होंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आप याद रखोगे, अक्सर क्वेश्चंस में आया जाता है और वहां पे क्वेश्चन ऐसा होता है कि बोहर के थर्ड ऑर्बिट में नंबर ऑफ वेव्स कितनी होंगे, और एक सिंपल आंसर है मगर वो आता तभी होगा जब आपने इसको अच्छे से समझा होगा। तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। तो यहाँ पे अब एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? इंटेग्रल मल्टीपल एच ओवर 2 पाई हो गया, ठीक है। तो ये बोहर का पोस्टुलेट एक्सप्लेन हो है, क्लियर। और यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होंगे? प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर क्या होंगे? केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। तो दोनों के यूनिट सेम है, यहाँ से आप ये भी अप्रिशिएट कर सकते हो। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात बार बोल रही हूँ, वो क्या है? n this is equal to number of wavelengths in an orbit and this is equal to the orbit number।
अब हमने जो कुछ भी अभी तक डिस्कस किया वो किसके लिए डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉन के लिए किया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए हम कह रहे हैं कि पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। तो क्या ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए भी वैलिड है? क्या मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का भी एक वेव कैरेक्टर होता है? तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंगली यस, ठीक है। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज अ वेव कैरेक्टर। तो हमें वो वेव दिखाई क्यों नहीं देती? जब एक कार मूव कर रही है तो हम क्यों कहते हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है? जब हम भाग रहे हैं तो हम एक वेव की तरह क्यों ऊपर नीचे नहीं भाग रहे हैं? हम एक स्ट्रेट ट्रैक पे क्यों भाग रहे हैं? राइट, स्कूटर जा रहा है वो क्यों एक स्ट्रेट लाइन हमें दिखाई देती है? ऐसे क्यों नहीं लगता कि एक वो वेव की तरह ऊपर नीचे जा रहा है? नहीं जा रहा है ना, वो क्यों है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो वेवलेंथ जो भी एक इलेक्ट्रॉन और अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड है, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनका मास बहुत छोटा है, इसलिए इनके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ को एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट किया जा सकता है। मगर जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मास बहुत ज्यादा है, तो इनके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएट होगी उसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो वेवलेंथ बहुत छोटी होगी। एग्जांपल के लिए मैंने इसके लिए आपको एक फिगर्स में भी शो करती हूँ। तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट है 0.5 केजी की, एक क्रिकेट बॉल आप ले लो, ठीक है। एक क्रिकेट बॉल एक वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है, फाइन। तो उसके लिए जो लेमडा की वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट करोगे तो आएगी 0.6626×10⁻³⁴ मीटर। ये जो वेवलेंथ है ये बहुत 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 छोटी है। इमेजिन करो अब इस 0.6 से भी पहले 34 जीरोज और आने हो तो ये कितना छोटा नंबर है, राइट। सो हम इस वेवलेंथ को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये डी ब्रोगली इक्वेशन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड नहीं है। जबकि अगर आप माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए देखोगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, उसका मास आपको मालूम है, वेलोसिटी भी अराउंड कितना रेंज में होती है, 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड की रेंज में। तो यहाँ पे वेवलेंथ कितनी आ रही है, 7.2×10⁻¹० मीटर। 7.2 एमस्ट्रॉन्ग इज अ वेवलेंथ विच कैन बी डिटेक्टेड एक्सपेरिमेंटली। इसलिए हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का वेव नेचर अप्रिशिएट कर सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक का नहीं कर सकते हैं। हेंस डी ब्रोगली जो इक्वेशन है दैट इज वैलिड फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स एंड नॉट फॉर मैक्रोस्कोपिक। आई होप इट इज क्लियर। ऑल दीज थिंग्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू अंडरस्टैंड देम वेल। मैं बहुत टाइम लगा के आपको इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट कि आपको हर एक कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो। That is all for this lecture. बहुत सारी और बातें अभी हमें करनी है डी ब्रोगली कंसेप्ट पे। बहुत सारे जैसे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिशन्स में, उन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे कैसे डी ब्रोगली कंसेप्ट पे आते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा लेक्चर 18 के लिए। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलना, और साथ ही में हमारे चैनल H2O को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम एक नया लेक्चर पोस्टिंग करें, नया कोर्स पोस्टिंग करें। प्रॉब्लम कोई है, कोई डिफिकल्टी है, तो प्लीज डू मेल अस एट h2ochemistry@gmail.com। वी विल बी रियली ग्लैड टू हेल्प यू ऑल, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही। एंजॉय योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।